Hello and welcome guys, starting our economics session, the economic notes for SSC CGL. Before that, a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. These are my credentials. आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको मेरे कोर्स के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जितने भी लेटेस्ट आपको वीडियोस आएंगे जितने भी लेसन अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे एंड अन अकेडमी वेबसाइट एंड अन अकेडमी ऐप एज वेल आप दोनों पे ही फॉलो कर सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ रेट एंड रिव्यू इट. मूविंग अप हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में प्रोडक्शन क्या होता है और कितने तरह का होता है देन लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ रेवेन्यू किसी भी कंपनी का किसी भी फर्म का. बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन की बात करते हैं. प्रोडक्शन क्या होता है जब कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है रॉ मटेरियल से तो हम उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लें तो जो आयरन बार्स होते हैं जो लोहे की ये सरिया आप देखते हैं जो घरों में इस्तेमाल होती है जब वो बनती है तो ऐसा नहीं है फैक्ट्री में होता क्या है फैक्ट्री में सिर्फ आयरन पाउडर आता है सिंपली आयरन फिलिंग्स आयरन पाउडर आता है और वो कास्ट करा जाता है और वो कन्वर्ट करा जाता है आपका इनमें जो ये आपके आयरन बार्स होती हैं. इसी तरह आप जितनी भी प्लास्टिक का सामान देखते हैं आप टॉयज देखते हैं जो भी प्लास्टिक का सामान देखते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है प्लास्टिक बीड्स छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने होते हैं शक्कर जैसे जैसे शक्कर के आपके ये होते हैं दाने उसी तरह छोटे छोटे आपके प्लास्टिक के दाने होते हैं जिनको प्लास्टिक बीड्स बोला जाता है उनको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करा जाता है. तो क्या प्रोसेस हुआ फिनिश प्रोडक्ट बनाया गया किससे रॉ मटेरियल्स से क्लियर उनकी प्रोसेसिंग करके तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन में काम आती हैं तो आप एक बार खुद सोच के देखिए अगर आप खुद फैक्ट्री में हैं बड़ी आसान सी बात है ये आपको ऑप्शंस में मिल भी जाता है कि इसमें आपको मार्क करना होता है कौन सा आंसर सही है. तो देखिए लेबर कैपिटल लैंड या और एंटरप्रेन्योर लेबर आपको जरूरी होती है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कैपिटल यानी कि पैसा आपको जरूरी होता है ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है. देन लैंड लैंड भी आपको जरूरी होती है क्योंकि आप वो जगह होती है जहां पे आप अपना पूरा सेटअप जो होता है वो आप वहां पे लगाते हो. देन एंटरप्रेन्योर ये भी कई लोग सोचते हैं कि ये नहीं है लेकिन सर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर ही तो है वो जो इन तीनों को प्लान करेगा ये एंटरप्रेन्योर ही प्लान करता है इन तीनों को और तभी जाके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और इसीलिए इन चारों को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है. अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन की तो देखिए टोटल प्रोडक्शन क्या होता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक फिक्स टाइम लिमिट में प्रोड्यूस हुआ वो होता है टोटल प्रोडक्शन. अब वो फिक्स टाइम लिमिट मान लीजिए एक महीने की हो सकती है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुई. फॉर एग्जांपल अगर आप कभी इकोनॉमिक टाइम्स या फिर किसी भी पेपर का अगर आप इकोनॉमी सेक्शन देखो जो पेपर में आता है तो उसमें आप देखेंगे मार्च के टाइम पे अक्सर ये होता है कि इस साल इस पर्टिकुलर कार कंपनी ने इतने यूनिट्स का इनका टोटल प्रोडक्शन रहा. तो जो ये टोटल प्रोडक्शन को रिपोर्ट करते हैं यूनिट्स में करते हैं और उसमें पूरे पूरे साल का लेते हैं. क्यों क्योंकि मार्च को आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है इसलिए. इसी तरह वो कितने भी टाइम पीरियड का हो सकता है नॉर्मली रिपोर्टेड ये एक साल का होता है और हम इसको यूनिट्स में रिपोर्ट करते हैं. अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है जैसे कि जो आपके फैक्ट्रीज हैं या कार हो गए ऑटोमोबाइल जो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो यूनिट्स में रिपोर्ट करता है. इसी तरह जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो आपका गेहूं हो गया चावल हो गया ये टन्स में रिपोर्ट करते हैं कि इतना इतना टन इनके यहाँ पूरा प्रोडक्शन हुआ है राइट. तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से मेंशन किया जाता है. ये आपको अक्सर मिल जाएगा न्यूज़पेपर में अगर आप इकोनॉमी सेक्शन देखेंगे या न्यूज़पेपर में तो आपको दिख जाएगा. देन मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है देखिए थोड़ा सा ये चीज़ है मार्जिनल हमेशा याद रखिएगा मार्जिनल वर्ड जहाँ आ जाए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसको लेके तो मार्जिनल वर्ड आप ध्यान रखेंगे जहाँ आ जाए उसका सिंपली ये मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ाने पर कितना ग्रेटर. अब समझते हैं इसका मतलब क्या था. मार्जिनल मतलब ये हुआ लेट्स से एक अचार बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पे 10 लेडीज़ मिलके एक छोटी सी ये फैक्ट्री या ये घर में ही अचार बनाने का कारखाना तो नॉर्मली घरों में होता है एक अचार बनाने का कारखाना है वहाँ पे 10 लेडीज़ काम करती हैं एक दिन में 10 किलो अचार बना लेती हैं वो एक दिन में 10 किलो अचार बना लेती हैं अचार यानी कि पिकल. नाउ अब क्या हुआ 5 लेडीज़ और आ गई अब 15 हो गई तो एक दिन में वो कितना अचार बनाने लगी अब वो 15 किलो अचार बनाने लगी. तो हमने क्या देखा ये तो 5 की बात थी अगर इसी तरह हम एक की बात और करें एक लेडी और आई और अब कितना प्रोडक्शन हो गया लेट से 11 हो गया. तो अब हम डिवाइड करेंगे तो हमने क्या देखा एक लेडी के बढ़ने पे 1 किलो प्रोडक्शन बढ़ गया अचार का. बस इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि किसी कभी भी हम एक यूनिट जो हमारा लेबर है या फैक्टर प्रोडक्शन है
एक यूनिट इंक्रीज ऑफ फैक्टर या एक यूनिट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन में जब हम एक यूनिट का इंक्रीज करते हैं तो हमको आउटपुट पे कितना रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से। एवरेज प्रोडक्ट की बात क्या हुई, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर, यानी कि मान लीजिए 25 किलो अचार टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक 10 लेडीज हैं आपके वहाँ, 10 लेडीज उस अचार फैक्ट्री में काम कर रही हैं, 25 डिवाइडेड बाय 10 क्या हुआ 2.5 किलो, यानी एवरेज प्रोडक्शन, यानी हर एक लेबर यानी कि हर एक वो लेडी कितना अचार प्रोड्यूस कर रही है 2.5 किलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं। इंक्रीज इन रिटर्न्स टू सेल, इंक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब ये होता है कि आप में मान लीजिए अभी आपके पास क्या था ना, तीन आदमी काम कर रहे थे और तीन आदमी काम करके लेट्स से दीवार बना रहे हैं, मजदूर हैं, तीन मजदूर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो अभी तीन ही यूनिट, तीन मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तीन मजदूर काम कर रहे हैं, तीन मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। अब आपने क्या किया, मजदूर मल्टीप्लाई कर दिया, तीन गुना मजदूर कर दिए, आपने नौ मजदूर लगा दिए, पहले तीन कर रहे थे अब आपने नौ मजदूर लगा दिए वही दीवार बनाने में। अब दीवार वो कितनी लंबी बना रहे हैं, लेट्स से कि वो अभी वो 11 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो क्या हुआ आपका, पहले तीन मजदूर तीन मीटर दीवार बना रहे थे, अब नौ मजदूर आपने तीन गुना कर दिया उसको, कितनी दीवार बना रहे हैं 11 मीटर दीवार बना रहे हैं। तो अब आप क्या देखेंगे, आपका जो आउटपुट हुआ वो आपने जो आपका इनपुट था वो तो तीन टाइम्स बढ़ाया लेकिन आउटपुट आपका कई गुना ज़्यादा, तीन बार से भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल। ये फिक्स नहीं है कि आपको तीन ही बढ़ाना है या ये 3.75 ही होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल था या कुछ भी हो सकता है। तो बात समझ में आ गई, इंक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल ये चल रहा है, पूरा लॉ ऑफ रिटर्न्स चल रहा है पूरा ये। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इफ एन आउटपुट इंक्रीजेस बाय सेम प्रोपोर्शनल चेंज एज ऑल इनपुट्स चेंज देन देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने तीन गुना अगर लेबर बढ़ाया तो तीन ही गुना प्रोडक्शन भी बढ़ा, यानी आउटपुट भी उतना ही यूनिट बढ़ता है जितना कि आपका इनपुट बढ़ रहा है, तो वो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो गया। ये बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर हो रहे हैं ये कि क्या है ये चीज़। इफ आउटपुट इंक्रीजेस बाय लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स इनपुट देन दे आर कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीज यानी कि तीन गुना आपने वो बढ़ाया, आपने इनपुट बढ़ाया और आउटपुट बढ़ा आपका 2.5 गुना, तो वो हो गया डिक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रोडक्शन डिक्रीजिंग आफ्टर अ फिक्स रिटर्न, ये एक लॉ है बेसिकली। इसमें क्या होता है देखिए, ये इसी चीज़ को बता रहा है, ये आपके इन्हीं दोनों को समराइज कर रहा है। होता क्या है कि आपने पहले तो देखिए, आपने लेबर बढ़ाया तो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल से ज़्यादा मिला, तीन गुना लेबर बढ़ाया मिला 3.75। फिर क्या हुआ, अब आप तीन गुना बढ़ा रहे हो, फिर आपने थोड़ा आपने सोचा ये तो अच्छी बात है और बढ़ा देते हैं, तो आपने और बढ़ाया, तो आपने क्या देखा कि रिटर्न्स तो मिल रहे हैं लेकिन हाँ उतने ही मिल रहे हैं, तीन गुना प्रोडक्शन, तीन गुना इनपुट बढ़ाया तो तीन गुना आउटपुट भी बढ़ गया। फिर आपने क्या देखा, अब जब मैं इसके बाद भी तीन गुना ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे तीन गुना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा, मुझे आउटपुट 2.5 गुना ज़्यादा ही मिल रहा है। तो मतलब ये एक लिमिट है ना, कि किसी भी लिमिट तक चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, बस यही बात होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलता है इस बात को। ये इस लॉ को पूरा समराइज हो गया ये लॉ, क्लियर। रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू देखिए क्या होता है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन सेलिंग अ गुड बाय अ फर्म। टोटल अमाउंट जब एक कार कंपनी है, अच्छा एक कार कंपनी है, तो अभी वो कारें बेचने पे या जितनी भी कार से उनको बेचने के बाद टोटल जिसको अमाउंट मिलता है वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर होता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल जितना अमाउंट मिला। प्रॉफिट क्या होता है, उस रेवेन्यू से जब सीपी को हटा देते हैं। कितने तरह का होता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीन तरह के रेवेन्यू होते हैं। क्या होते हैं, वही सेम चीज़ें जो हमने लास्ट में डिस्कस करी है। मार्केट की बात आएँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कितने तरह की मार्केट होती है, देखिए पहली होती है परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और कंज्यूमर को जो हो है पूरी इन्फॉर्मेशन होती है क्या सामान बिक रहा है। इसमें जो सामान बिकता है वो बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन पे बिकता है। एक एक चीज जो आपको जितनी भी दुकानें दिखेंगी सबके साथ सेम दाम पे होगा। फॉर एग्जांपल आप सब्जी मंडी अगर कभी जाओ जहां सब्जियां मिलती हैं, वहां पे आप देखोगे जाके कि अगर आलू है तो जो दाम अगर 10 रुपये किलो एक के वहां मिल रहा है तो आगे की 20 दुकानों में भी वो 10 ही रुपये किलो मिलता है, प्रोवाइडेड अगर उसकी क्वालिटी सेम है। क्वालिटी डिग्रेडेड नहीं है, क्वालिटी डिग्रेडेड है तो वो आपको 8 में मिल जाएगा। सेम क्वालिटी का आलू आपको हर जगह 10 रुपये किलो ही मिलेगा। ये होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये जैसे कि एग्जाम्पल है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक्सट्रीम्स है, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट का एक्सट्रीम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे ये फिर भी एक रिलेवेंट एग्जाम्पल है ये इसका, राइट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सिर्फ एक सेलर होता है और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्या है,
अकेली सर्विस, देखिए प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे सर्विस मार्केट हो, बात एक ही है, इंडियन रेलवे अकेली सर्विस प्रोवाइडर है, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। कल को इंडियन रेलवे दिल्ली से मुंबई जाने का जो टिकट आज की डेट में एसी टू टेयर का लेट्स से अगर 2000 रुपये होता है, कल को अगर वो 4000 भी कर दे, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप जाएंगे ही जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो पैदल जा रहा हूँ क्योंकि किराया भाड़ा बढ़ गया, मैं तो पैदल जाऊंगा या मैं तो साइकिल पे जाऊंगा। नहीं, टाइम की वैल्यू है, आप नहीं जा सकते पैदल, चाहे वो 2000 का 4000 होगा, आप पैसा मैनेज करोगे और आप जाओगे। तो ये होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंज्यूमर का शोषण बहुत ज्यादा होता है, राइट। प्राइसेस बहुत ही इनसेनली बढ़ाए जा सकते हैं, क्यों, एक आदमी की मोनोपोली है, जो वो चाहे वो करे, ठीक। फिर आते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कुछ नहीं, ये इन्हीं दोनों का ही एक जोड़ होता है, ठीक है। इसे एक इसमें और आई गेस मिस हो रहा है, इसमें एक और होती है ओलिगोपॉली मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अलावा इसमें एक और होती है ओलिगोपॉली, ओ ओलिगो, ओ एल आई जी ओ पी ओ एल वाई, ओलिगोपॉली। मोनोपोली में तो ये होता है कि एक ही सेलर होता है, ओलिगोपॉली में क्या होता है, बहुत सारे सेलर नहीं होते हैं लेकिन दो तीन सेलर होते हैं और बायर्स काफी सारे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जो आपके घर में जैसे आता है गैस सिलेंडर आता है, तो गैस सिलेंडर की कंपनीज खाली दो ही तीन है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। अभी इन्हीं से ही, और इंडेन ये सब जो है इन्हीं से आता है पेट्रोल, जो आपकी एलपीजी आती है, तो ये होते हैं ओलिगोपॉली। इसी तरह पेट्रोल पंप्स जो हम देखते हैं, पेट्रोल पंप तीन ही चार कंपनीज के पास ऐसे लाइसेंस है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक कुछ स्टेट्स में शायद एक दो और है। तो ये ओलिगोपॉली मार्केट हो गया, यहाँ पे सिर्फ तीन ही चार सेलर्स होते हैं और बायर्स तो पूरा पूरी दुनिया ही इनकी बायर है पेट्रोलियम की। क्लियर हो गई ये बात। तो ये थे विद एग्जाम्पल्स आपके मार्केट के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको मार्केट क्लियर हो गई होगी पूरी, की कौन सी किस तरह की मार्केट होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज रेट इट एंड रिव्यू इट इफ यू लाइक दी लेक्चर, थैंक यू सो मच। वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक सेशन। दिस इज इकोनॉमिक नोट्स फॉर एसएससी सीजीएल। एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमन श्रीवास्तव, दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। आप मुझे अन अकेडमी वेबसाइट एंड अन अकेडमी ऐप के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी लेसन अपडेट्स एंड लेक्चर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहेगा। And if you like the lecture, it's a request, please rate it and review it as well. शुरुआत करते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। जो बजट हम देखते हैं हर साल आता है और उस टाइम पे काफ़ी एक आपका काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है लोगों में कि इस बार के लिए बजट में हमारे लिए क्या है। देखिए बजट बेसिकली क्या है, छोटे तौर पर समझते हैं, छोटे तौर पर ये समझते हैं कि जब हमारी फैमिली में हमारे फादर या मदर जो भी अर्निंग मेम्बर हैं, जब वो पैसे का एलोकेशन करते हैं कि इतना पैसा इस चीज़ में जाएगा, इतना पैसा इस चीज़ में जाएगा, प्लानिंग करते हैं बेसिकली वो पैसे की, कि पैसा इतना आ रहा है यानी कि उनकी सैलरी इतनी है या बिजनेस है तो उनकी इनकम इतनी है, और एक्सपेंडिचर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, या एजुकेशन हेड में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, आपकी फ़ीस के लिए, आपकी कोचिंग्स के लिए, आपकी बुक्स के लिए इतना पैसा खर्च होगा, मेडिकेशन मेडिकल यूजेस में इतना पैसा खर्च होगा, और खाने के लिए इतना पैसा खर्च होगा, जो राशन पानी है उसके लिए इतना पैसा अलग रखा जाएगा, ठीक। और फिर कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रख दिया था, इतना इमरजेंसी के लिए रख दिया, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए रख दिया। बस यही काम होता है बजट का, बजट भी इतना ही काम करता है, बस इस काम को आप मैग्निफाई करके बड़े स्केल पे लिए जाओ, यानी कि कंट्री के लेवल पे लिए जाइए, तो बस बजट का भी यही काम है। देन फंड्स ऑफ इंडिया, क्या फंड्स हैं इंडिया में, किस टाइप के कितने फंड्स हैं, कंटिजेंसी फंड होता है, देन हमारा एक नॉर्मल जो फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बजट के ऊपर। बजट क्या होता है, इट इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विच कंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखिएगा ये अगले साल का होता है, यानी कि अगर 2017 में जो बजट आ रहा है तो वो 2017-18 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ठीक है, 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है वो। अब कहाँ से आया, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बजट का मेंशन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, कहीं पर भी ये वर्ड है ही इस्तेमाल ही नहीं होता बजट। क्या होता है वर्ड, क्या है बजट में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आर्टिकल 110 जो है ये मनी बिल होता है, या आपका पॉलिटी के हिसाब से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 110 मनी बिल होता है। देखिए होता क्या, आर्टिकल 110 मनी बिल है, इसमें क्या होता है, इससे ये मनी बिल गवर्नमेंट को, सरकार को ये अधिकार देता है कि आप किसी भी पुराने टैक्स को बढ़ा या घटा सकते हो, या फिर नया टैक्स आप लागू कर सकते हो, ये इसको अधिकार देता है। अब आर्टिकल 110 ने सरकार को ये अधिकार दे दिया। अब आर्टिकल 112 क्या होता है, इसकी हेल्प से इंडियन प्रेसिडेंट क्या करता है, इंडियन प्रेसिडेंट करता क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, अगले साल में इनकम और एक्सपेंडिचर का जो पूरा ब्यौरा होता है वो पार्लियामेंट में पेश करता है। तो अगर मेन बात करी जाए कि बजट बेसिकली प्रेजेंट होता फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू है, लेकिन होता बेसिकली ये किसके थ्रू है, प्रेसिडेंट के थ्रू, इसे प्रेजेंट करता
कौन है? प्रेसिडेंट करता है इसे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन किसके थ्रू होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। इनफैक्ट कोई भी बिल अगर वो आता है तो वो प्रेसिडेंट के साइन के थ्रू होता है। एनीवे, बजटरी सिस्टम इन इंडिया कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए रीज़न साफ है, कॉलोनियल लेगेसी थी, बहुत टाइम तक रहे थे यहाँ पे, तो खाली बजटरी सिस्टम ही नहीं, इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 65% पार्ट पूरा ब्रिटेन से कॉपीड है, राइट? दिस इज नॉट समथिंग बैड, ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी लगें तो। खैर वो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन 7 अप्रैल 1860 जेम्स विल्सन ने पहला इंडिया में बजट प्रेजेंट किया। नाम याद रखेंगे आप, 7 अप्रैल 1860 स्टैटिक का क्वेश्चन बन के आ सकता है। फर्स्ट बजट लाए जेम्स विल्सन साहब 7 अप्रैल 1860 में। इन्होंने ही पहली बार इनकम टैक्स भी लगाया, तो फिर ये क्या माने जाने लगे? फादर ऑफ इंट्रोड्यूसर ऑफ इनकम और इंट्रोड्यूसर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। कितनी तनख्वाह पे लगाया? 500 रुपये से ज़्यादा की तनख्वाह पे इन्होंने लगा दिया इनकम टैक्स। हालांकि उस समय 500 रुपये भी बहुत हुआ करते थे, कुछ ही शायद मुश्किल से 3-4 या 5% इंसान थे जो कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर थे। 500 रुपये इनकम आज से लाइक 1990 अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स पहले आज से जो सैलरीज हुआ करती थी वो मंथली सैलरीज होती थी 800, 900, 1000 रुपए, और उस समय ये काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती थी। तो ये मंथली सैलरी हुआ करती थी 1990s में। तो जो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट टू रिलेट यू, अब आप सब चो कि 1860 में क्या सैलरीज होंगी और कितना उसके 500 रुपए कितने ही लोगों के पास होगा। फिर देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ बजटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, सिंपल सा रीजन। आगे बढ़ें, 25 फेब हर साल इंडियन रेल मिनिस्टर रेल बजट इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते थे, जो कि ये व्यवस्था इस बार से हटा दी गई है। इस बार से जो व्यवस्था है, और यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, ऑन लास्ट वर्किंग डे 28 और 29 फेब को इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जनरल बजट पेश करते हैं, राइट? अभी ये व्यवस्था हटा दी गई है, अब 1 फेब, ध्यान रखिएगा 1 फेब को ये दोनों बजट कंबाइन कर दिए गए हैं। इन दोनों ही बजट्स को कंबाइन करके 1 फेब से अब बजट आता है। 1 फेब को इस बार 2000 आपका ये जो 17 है, 1 फेब को इसमें बजट आया था और 1 अप्रैल से लागू हुआ है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होती हैं? देखिए, द एडिशनल ग्रांट रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट। मान लीजिए क्या हुआ, सरकार ने कुछ लेट से कि 1 लाख करोड़ का पूरा ब्यौरा दिया, ये 1 लाख करोड़ साहब हमें चाहिए, अपने जो फंड है उससे हमें 1 लाख करोड़ आप निकाल के दे दो। पार्लियामेंट को बोला कि हम 1 लाख करोड़ रुपए निकालेंगे, और अच्छा ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए प्रॉपर बिल मूव करा जाता है। बजट बेसिकली होता ही वही है, पार्लियामेंट से एक तरीके की परमिशन होती है कि हमारे ये खर्चे हैं और हम ऐसा ऐसा पैसा निकालेंगे। अभी क्या हुआ, होना था तो ये मार्च तक एप्लीकेबल, 31 मार्च तक आपको इतना पैसा चलाना था। अभी पैसा खत्म हो गया साहब जनवरी में, अभी क्या बच गया, फरवरी और मार्च बच गया। अब क्या करा जाए, खर्चे तो होने हैं, कंट्री को खर्चा तो देना है, मेडिकल सप्लाईज हैं, डिफेंस के लिए खर्चा होना है, ठीक। तो क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में एक ग्रांट्स के लिए एक बिल पेश करती है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बिल करती है, ठीक है। ये बिल इशू पेश किया जाता है और इसके थ्रू वो एक्स्ट्रा पैसा मांगती है। वो कहते हैं कि देखिए हाँ, हमारा पैसा खत्म हो गया है और हमें 2 महीने के लिए जो हमने जितना एलोकेशन किया था 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ये ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो हमें ज़रा थोड़ा सा पैसा और दे दें। कितना पैसा दे दें ये सब इसमें लिखा रहता है। तो ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ठीक है। अब बात आते हैं वोट ऑन अकाउंट्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए 31 मार्च तक तो कायदे से पहले जी ये होता 31 मार्च था, अब इस फिगर को ये हो गई है 1 फरवरी को आपका ये बिल आपका ये चलता है और फिर ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में ये पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पास हुआ तो क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो जाएगा। अब तो खैर मार्च तक है तो अब तो ये पास हो जाएगा, ये पहले ये प्रॉब्लम थी। अगर इन्होंने फाइनेंशियल ईयर भी शिफ्ट किया बजट की डेट के साथ, इन्होंने अगर फाइनेंशियल ईयर भी शिफ्ट किया तो ये वोट ऑन अकाउंट्स की प्रॉब्लम फिर से आएगी, ठीक। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले होता क्या है, हम एक बार 31 मार्च मान के ही समझते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर ये भी बताएंगे कि अभी क्यों नहीं लागू हो पा रहा है अभी ये। देखिए क्या है, 31 मार्च तक अगर बजट नहीं पास हुआ, राइट, 31 मार्च तक अगर बजट नहीं पास हुआ, बजट पास होने के लिए पहले क्या होता था, पूरा 1 महीना होता था। हम 2016 तक की बात कर रहे हैं, ठीक। 28-29 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जनरल बजट पेश किया, अब 1 महीना है पास होने के लिए। अब 31 मार्च तक मान लीजिए पास नहीं हुआ, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल आपका ईयर शुरू हो गया, तो सरकार के पास पैसा कहाँ है? पैसा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जो पैसा वो कह रही थी, जो उसने पार्लियामेंट को बोला था बजट में कि हमें ये पैसा चाहिए, वो तो बजट तो अभी तक पास ही नहीं हो पाया। अभी बजट नहीं पास हो पाया लेकिन खर्चा तो है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, वोट ऑन अकाउंट्स पेश किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट्स के थ्रू सरकार बोलती है कि ठीक है साहब, हम ये तो बिल पास होता रहेगा, लेकिन अभी हमारे खर्चे के लिए तो पैसा दो हमको, जो हमें जनता के लिए पैसा खर्च करना है वो तो आप पैसा दो हमको। तो वो करते हैं वोट ऑन अकाउंट्स के थ्रू। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इस बारी क्यों नहीं हो पाया ये, देखिए इस बारी क्यों नहीं हुआ, अभी क्या है ना, डेट को शिफ्ट इसी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये करा भी गया था, स्पीडी होता कि थोड़ा सिस्टम, ये वोट ऑन अकाउंट्स वगैरह का थोड़ा सा झमेला रहता है, काफ़ी लंबा हो जाता है ये सब चीज़ें। अभी क्या है, 1 फरवरी शिफ्ट कर दी इन्होंने बजट की डेट, फाइनेंशियल ईयर वही रखा, तो अब आपके पास पूरा बजट के ऊपर डिस्कशन होने को 2 महीने हैं पूरे। ठीक है, तो ईजिली ये निकल जाएगा। हाँ, फिर भी 2 महीने में भी नहीं हो पाएगा, अगर 2 महीने में भी बजट नहीं पास हो रहा है तो आपको वोट ऑन अकाउंट्स की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि पड़ेगी नहीं, 2 महीना बहुत होता है बजट पास करने के लिए, अब बाकी ना करना चाहे तो फिर तो कभी नहीं होगा। एनीवे, फंड्स ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए आप ये याद रखेंगे, आर्टिकल 266 की बात आप याद रखेंगे कि 266 होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और 267 होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 267(1) बात करता है कंटिजेंसी की, 266 बात करता है कंसोलिडेटेड की। बात करते हैं ये होते क्या हैं, देखिए ये क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या है, द फंड वाज कंसोलिडेटेड इस आर्टिकल के अंदर। अब जितने भी सरकार को रेवेन्यू रिसीव होते हैं, जितने भी रेवेन्यू, यानी कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे कहीं से मनी बोरो किया हो, कहीं किसी को लोन देना हो, जितना भी ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी चलता है वो क्या हुआ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चला। ये एक फंड है, जैसे आपका अकाउंट होता है आपके बैंक में, लेट्स से कि आपका SBI में अकाउंट है, अभी पैसा आपका आ रहा है तो भी उसी अकाउंट में आता है, पैसा जा रहा है तो भी उसी अकाउंट से जा रहा है। ठीक, आप किसी दोस्त को उधार देते हो तो वो भी उसी पर्टिकुलर से उधार देते हो, किसी से उधार लेते हो बैंक अकाउंट में तो वो भी आप उसी पर्टिकुलर अकाउंट से आप उधार लेते हो। ठीक, तो ये सरकार का वो वाला अकाउंट होता है, इसको बोलते क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देखिए कंटेजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, आर्टिकल 267 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है। आप क्या करते हैं, इधर अक्सर लोग अभी ये करने लगे हैं, आई पर्सनली डू दिस थिंग, क्या होता है कि एक सेपरेट अकाउंट होता है, एक तो हमारा खर्ची का अकाउंट होता है, एक हमारा सेपरेट अकाउंट होता है, उसमें हम इमरजेंसी फंड रखते हैं, उसमें इमरजेंसी फंड रखते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट से चाहिए होती है परमिशन। यहाँ पे आपका सीधे सीधे काम, यहाँ पे काम इतना ट्रिकी नहीं होता है जितना यहाँ होता है, यहाँ आराम से हो सकता है, कैबिनेट की अप्रूवल से ही यहाँ काम हो जाएगा। तो अभी क्या है, इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मान लीजिए एकदम से आ गई बाढ़, जैसे आपको याद होगा केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद बाढ़ वगैरह आई थी अभी से 3-4 साल पहले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो अब या तो पार्लियामेंट बैठे, फिर हो कि साहब आप पहले अप्रूव करिए फिर हम वहाँ पैसा भेजेंगे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास ये फंड होता है, सीधे निकाला दे दिया। क्यों होता है, टू मीट अर्जेंट और अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल। इसको प्रेसिडेंट एनेबल कर सकता है सरकार को। ये तो ये बात हो गई कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड की। अब पब्लिक फंड क्या होते हैं, पब्लिक फंड बेसिकली क्या होते हैं, गवर्नमेंट वर्क एज अ बैंकर, जैसे किसान विकास पत्र और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए पब्लिक, सरकार बड़ी ही चालाक होती है, मतलब चालाक तो नहीं कहना सही रहेगा, शातिर होती है, समझदार होती है बेसिकली। सरकार के पास जब पैसा कम पड़ जाता है तो वो आपसे पैसा उधार मांगती है, लेकिन आपको वो कभी दिखाती नहीं है कि वो आपसे उधार मांग रही है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो किसान विकास पत्र होते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है समथिंग 8.9 या 9.1%। अभी क्या होता है, बेसिकली जब ये सरकार KVP जारी करती है, सरकार को पैसा चाहिए होता है आपसे, लेकिन वो आपको बोलती है आप 5 साल के लिए पैसा दें और पैसा कराएं डबल। आपको लगता है ये सरकार आपके लिए बड़ी अच्छी योजना लेके आई है कि 5 साल के लिए पैसा दें और पैसा हो जाएगा डबल। एक्चुअल में सरकार उस समय आपसे उधार मांग रही होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कुछ दिखाती है, लेकिन उसका मेन मोटो पीछे आपसे उधार लेना होता है। ठीक, तो ये तरीका होता है किसान, जो गवर्नमेंट एज अ बैंकर भी जो काम करती है, वो सब आता है पब्लिक फंड में, ये सब KVP या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब कुछ। चलिए बात करते हैं बजट की, बजट बात करते हैं तो देखिए बजट 2 पार्ट्स में होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल में चीज़ें आती हैं जो सीधे आपके मनी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि, हालांकि दोनों ही चीज़ें मनी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ बात आ जाती है जो आपकी लिक्विडिटी जिनमें ज़्यादा होती है, जिनमें आपका सीधे सीधे जो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। मान लीजिए सरकार को कोई मशीनरी नई खरीदनी है, या कोई ऐसी चीज़ है सब्सिडीज देनी है, या इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिए पैसा देना है, तो वो सब आ जाएगा कैपिटल में। रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू बजट कौन सा होता है, रेवेन्यू बजट होता है आपका जितनी भी, अगर मान लीजिए कोई भी प्लांट, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट करना है,
सरकार कोई डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या फिर इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं, मशीनरीज सरकार की अपनी कोई डिवीजन है, लेट्स से इंडियन रेलवे, कल को भी इंडियन रेलवे को दिखाती है कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये फ़ायदा होगा इससे, वो रेवेन्यू में आएगा, क्योंकि वो पैसा वहाँ पे सरकार कहीं सीधे सीधे पैसे की डीलिंग नहीं है, वहाँ पे एक सिस्टम, एक मशीनरी इन्वॉल्व है, जब उसमें सरकार डील करती है दैट इज रेवेन्यू बजट, और सिंपली पैसे के बजट में डील करती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हमें काम किससे है खाली इसमें, इन चीज से, सिर्फ इतने एरिया से हमको इसमें काम है। देखिए रेवेन्यू बजट, सारे बजट दो तरह के होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी रिसिप्ट यानी जितना आमदनी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, आमदनी खर्चा। रिसिप्ट कैसे, पैसा आता कैसे है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होते हैं टैक्सेबल रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमें मेन मतलब है टैक्सेबल रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, टैक्स रेवेन्यू यानी कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा हुआ, जो कंज्यूमर डायरेक्टली पे करता है, यानी कि जो पीपल डायरेक्टली पे करते हैं, तो वो क्या हुए, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, अकेले यही दो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आ गए, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। अभी जीएसटी लागू होने दीजिए 1 जुलाई से, तब जो चीज़ें सामने आएंगी तब फिर देखेंगे क्या है, फिलहाल तो स्ट्रक्चर यही है। ठीक, देन एक्सपेंडिचर में तो आपका वही सारी चीज़ें आ गई जो आपके जो भी खर्चे होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ गया, पब्लिक एंटरप्राइजेस, देन आपके इंटरेस्ट, जो सरकार, जो आपने सरकार इंटरेस्ट देती है या लेती है, या जो आपके पैसे पे सरकार, या सरकार ने जहाँ पे, लेट्स से LIC ने अगर कहीं पे अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो सरकार को जो इन्वेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। देन जो सरकार टेंडर्स डालती है उन सब पे जो पैसा आता है, राइट। अब ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, वो आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन लाया, मिस्टर चेट्टी। फर्स्ट बजट रिपब्लिक इंडिया कौन लाया, जॉन मथाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसने बजट पेश किया, मिस्टर मुरारजी देसाई। इंटरिम बजट, अंतराल बजट, CD देशमुख साहब ने किया। और अकेले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया वो था पूरा गांधी परिवार। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग अप, माय नेम इज अमन श्रीवास्तव, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अनअकैडमी मीन्स अनअकैडमी ऐप और अनअकैडमी वेबसाइट, जिससे कि आपको सभी लेसन अपडेट्स एंड लेक्चर अपडेट्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी ऐड होगा इसमें। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज रेट इट, रिव्यू इट एंड डू शेयर इट एज वेल। बात करते हैं कि हम इसमें क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे इसमें टैक्स सिस्टम इन इंडिया के बारे में, और भी हम पहले भी ले चुके हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इसमें हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कौन कौन से आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, सिंपली इतना जाना है कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा वाला इनडायरेक्ट है, दैट्स इट, दैट मच इज रिक्वायर्ड। देन ट्रेजरी बिल्स का सिस्टम क्या है, ये सब एक देखा जाए तो हम एक छोटा सा इंट्रो इनको ऑलरेडी ले चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा इनको और डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टैक्स सिस्टम इन इंडिया में। तो सबसे पहले तो समझते हैं, जैसी टैक्स सिस्टम की बात आती है, एक फाइनेंस कमीशन की बात आती है। तो देखिए सर, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, आपको पता है कि टैक्सेस जो हैं, आप इनकम टैक्स देते हो किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। आप सेंट्रल एक्साइज देते हो किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। कॉरपोरेट टैक्स होता है किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। मैक्सिमम टैक्सेस जो हैं वो भारत सरकार के पास जाते हैं। लेकिन अब बात आती है, डेवलपमेंट वर्क तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कराना है भाई, सड़क बननी है शहर के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगी। बिजली की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट देगी, प्राथमिक शिक्षा स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक। एजुकेशन, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब स्टेट सब्जेक्ट होते हैं इसलिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, अभी जब ये सारी चीज़ें देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर ये सब सुविधाएं देने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का, ये कौन तय करता है, ये तय करता है फाइनेंस कमीशन। बस इतना सा काम होता है फाइनेंस कमीशन सा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, क्या करता है, इट लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। टोटल 4 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं इसमें, ठीक, 4 मेंबर और एक चेयरमैन होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और कितने सालों के लिए, ये 5 साल के लिए होता है। क्या क्या आप चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपको याद रखना है मिस्टर KC नियोगी। 13 फाइनेंस कमीशन आपको नहीं याद रखना है, आप इसको छोड़ सकते हैं, राइट। आपको सिंपली फर्स्ट और 14, फर्स्ट इसलिए क्योंकि वह पहला फाइनेंस कमीशन था, 14 इसलिए क्योंकि ये करंट में चल रहा है अभी, इसलिए बस, ठीक है। तो आपको 13 नहीं याद रखना है, इसको छोड़ दीजिएगा। 14 आपको याद रखना है खाली कि मिस्टर YV रेड्डी, मिस्टर YV रेड्डी
2015 से 20 के लिए हैं ये 14 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसमें बड़ी रिकमेंडेशन क्या रही? इसमें बड़ी रिकमेंडेशन ये रही कि 42% टोटल रेवेन्यू का ये स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ठीक, ये इसकी बड़ी रिकमेंडेशन रही। अभी तक ऐसा नहीं होता था, काफ़ी कम रहता था ये परसेंटेज। ये जो प्रेजेंट रिजाइन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में, इन्होंने बोला कि स्टेट को हम लिबर्टी ज़्यादा देंगे। क्यों? इन्होंने बोला हम दिल्ली में बैठ के ये नहीं सोच सकते कि छत्तीसगढ़ में किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल में जो बंदा बैठा है वो ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, इसलिए हम स्टेट को ज़्यादा इनका रेवेन्यू का शेयर हम ज़्यादा देंगे। क्लियर? तो ये बात थी। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, राजा चिल्लैया कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आप मारोगे उसको आंसर, टैक्स रिफॉर्म। राजा चिल्लैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो बीच में इसमें मैंने डाले हुए हैं ताकि आपको इसके आंसर याद हो जाएं। डायरेक्टली दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। अभी यहाँ क्या याद रखना है, कितने तरह के डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं? इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अभी वेल्थ टैक्स जो है वो एबॉलिश किया गया है लास्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट वो कौन सा डायरेक्ट टैक्स था जो एबॉलिश किया गया है? तो जी वो है वेल्थ टैक्स। 2015-16 के बजट में उसको एबॉलिश किया गया है। इसको गिफ्ट टैक्स जो है इसको पेपर टैक्स भी बोलते हैं, राइट? अब एक और क्वेश्चन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम, मैक्सिमम बच्चे मार के आते हैं इनकम टैक्स, जबकि ये गलत है। इसका आंसर है कॉरपोरेट टैक्स। मैक्सिमम रेवेन्यू आता है कॉरपोरेट टैक्स से। इनकम टैक्स तो आप ये समझ लीजिए, अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो रिपोर्ट आई थी भारत में सिर्फ 24% लोग इनकम टैक्स देते हैं, सिर्फ 24% लोग। अब समझ लीजिए मुश्किल से मतलब 25-30 करोड़ के आसपास हुआ जाके ये, और 25-30 करोड़ आदमी कितना ही इनकम टैक्स दे देगा, जबकि कॉरपोरेट टैक्स कई कई हंड्रेड करोड़ में जमा होते हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं। तो इस मैक्सिमम रेवेन्यू सरकार को यहाँ से होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में। आप बैंक में पैसा जमा करते हो उसका इंटरेस्ट देना है, किसान विकास पत्र है उसका देना है, तो ज़्यादा पैसा योजनाओं में नहीं खर्च होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है इंटरेस्ट के पेमेंट में, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप इनको वन वर्ड्स आप ना पढ़ो तो एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमको तब वहाँ डाउट होता है, हमें लगता है वहाँ पे कि ज़्यादा पैसा तो सरकार का शायद रेलवे बजट में एक लाख करोड़ गया था तो वो होगा, या एजुकेशन को इतना दिया गया उसमें क्या होगा, लेकिन तो इसको हम बहुत छोटा मानते हैं, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी और जीएसटी, हमारा नया टैक्स जो अभी आने वाला है 1 जुलाई से ये आ जाएगा। तो आपको इसके बारे में भी अलमे का लेसन, तो इसमें आपको थोड़ी डिटेल रहेगी ताकि इनकेस कोई भी क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम जीएसटी आएंगे तो अलमे का लेसन ऑन इट। तो दीज आर यूर, अभी फिलहाल के लिए आपको करना ये है कि आपको ये याद होना चाहिए, ये पूरे पॉइंट्स सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अभी ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी क्या होती है? बेसिकली सरकार को चाहिए पैसा, सरकार ने आपसे बोला, अब सरकार आपसे बोल तो सकती नहीं कि अपने को पैसा चाहिए, तो सरकार क्या करती है, बोलती है आप पैसा हमको दोगे तो हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। अभी ठीक है, अभी अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम एक्चुअल में आपसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार को है आपके पैसे की, ठीक? तो क्या करती है सरकार, बस सिक्योरिटी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि भरोसा होता है सरकार धोखा नहीं देगी, ठीक है? इसीलिए इसको सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। अभी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स कितने तरह के, दो तरह के होते हैं ये, इनके डेज ऑफ एक 90 डेज के लिए, 364 ये आपका ड्यूरेशन होती है इसकी, ठीक? तो ये दो तरह के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। करता क्या है, सिंपली ये आपसे बोलेगा, जैसे आपने मान लीजिए 10,000 रुपए के आपने सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, अभी उसने बोला कि 1 साल के बाद ही आप क्या करोगे, हम आपको इस पे 5% रिटर्न देंगे। 5% रिटर्न का मतलब सीधे सीधे 8% तक ब्लॉक, 8% मान लीजिए रिटर्न बोला, अभी पैसा आपका 10,000 रुपए ब्लॉक हो गया, 1 साल बाद आपको उसी का 10,800 मिलेगा, राइट? तो आपको 800 का फायदा हो रहा है सरकार को वो पैसा देके। तो ये तरीका होता है, सरकार को क्या फायदा मिला, सरकार के पास आ गया पैसा। अब आप सोचेंगे कि सरकार ने तो पैसा लिया, 1 साल बाद सरकार को देना पड़ रहा है ज्यादा, तो सरकार को फायदा क्या हुआ? तो बात फायदा ये हुआ, इस साल मान लीजिए 1,000 लोगों ने सिक्योरिटी ली, उनको अगले साल पे करना है, अगले साल 2,000 लोगों ने ली, तो जो उन 2,000 लोगों से पैसा आया वो इन 1,000 लोगों को दे दिया, बाकी बचा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो गया, बाकी बचा पैसा योजनाओं में इस्तेमाल हो गया। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिस दिन भी बैंक्स इनफैक्ट इसी चीज़ पे ऑपरेट करते हैं, जो आपने पैसा दिया वो किसी और को पैसा बैंक ने लोन कर दिया, आप यहाँ पे आए, आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने उसको किसी और को दे दिया एज अ लोन। जिस दिन बैंक में 20% जनता भी अपना पूरा पैसा निकालने बैठ गई, चली गई, उस दिन बैंक बैठ जाएगा, कोई भी बैंक, बड़े से बड़ा बैंक, 20% जनता भी अगर चली गई अपना पैसा निकालने, सारा पैसा जिस दिन अपने किसी 20% जनता ने भी खाली कर लिया,
बैंक के कस्टमर्स 20% कस्टमर्स ने भी खाली कर लिया, बैंक पैसा नहीं दे पाएगा, बैंक बैठ जाएगा उस दिन, क्योंकि वो इसी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। बस एक ये होता है कि एट अ टाइम हर कोई तो पैसा नहीं निकालेगा, बस एक ये मॉडल होता है बैंक्स का ऑपरेट करने का। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट सेक्टर, वो बैंकिंग सेक्टर में हम जा रहे हैं, फिर छोड़ें उसको। इंडिया है 21 सेक्टर पब्लिक बैंक्स, आपको सिंपली ये याद रखना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में 21 हैं, SBI हैं, IDBI हैं, 19 अदर नेशनलाइज बैंक हैं, पहले ज़्यादा थे, अभी क्या है पहले 27 के आसपास थे। SBI और भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गया है, ध्यान रखेंगे SBI और भारतीय महिला बैंक BHMB ये एक में मर्ज हो गया है, ये SBI में ही मर्ज हो गए हैं सारे। तो अभी SBI है, IDBI है और 19 अदर नेशनलाइज बैंक हैं। इसमें आ जाते हैं आपका PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ रेट एंड रिव्यू ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। Hello and welcome guys, let's start our discussion on economics. Economic notes for SSC CGL. Let's have a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I have done BTech from IIT Lucknow in Electronics and Communication Engineering. I've cleared SSC CGL 2016 pre-plus mains. Aap mujhe Unacademy app aur Unacademy website dono par hi follow kar sakte hain. Just search column mein type in Aman Srivastava एंड यू विल गेट माई प्रोफाइल। उससे क्या होगा, आपको जितने भी लेक्चर्स अपडेट होंगे, जितने भी कोर्स अपडेट्स और आएंगे तो उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा एंड यू कैन ईजिली फॉलो अप। और इफ यू लाइक द लेक्चर, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज रेट इट, रिव्यू इट एंड डू शेयर इट। शुरुआत करते हैं, देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर अपने लेसन में, शेयर मार्केट के बारे में। देखिए बहुत डीप नहीं जाएंगे, रीजन इज कि बहुत डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ काम होगा, क्योंकि SSC डीप आपको शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी नहीं है SSC के लिए। आपको जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको पता हो कितने तरह के शेयर मार्केट इंडिया में काम करते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा आपको SSC कभी नहीं पूछता। शेयर मार्केट की जो इनडेप्थ नॉलेज होती है कि शेयर्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स में, बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में, जो हमें SSC हमारा नहीं पूछता। सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम सिर्फ इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, ये तो आपने सुने ही होंगे, NSE और BSE जो आप सुनते रहते होंगे, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चल गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे चला गया, तो ये क्या है सेंसेक्स, कैसे डिटरमिन होता है सेंसेक्स ये, देन रेजिडेक्स क्या होता है, और आजकल एक नया आया है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, इसको MCX भी बोलते हैं, मल्टी कमोडिटीज स्टॉक एक्सचेंज MCX, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझाऊंगा क्या होता है। शुरुआत करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो देखिए 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। ये क्वेश्चन आता है किसके रिकमेंडेशन पे, तो सर ये फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन, एक फेरवानी कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया का भी एक होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑल्दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, देन ऑल्सो इट वॉज रिकमेंडेड। देन ऑथराइज कैपिटल इज 25 करोड़, ऑथराइज कैपिटल जो थी इसकी आपके NSE की वो 25 करोड़ थी। ऑथराइज कैपिटल चेंज होती रहती है, सो फॉर दैट द थिंग इज कि आपकी, अभी बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल होती है कि कोई भी कंपनी कितनी मात्रा के शेयर जारी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रखी गई, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए NSE ने बोला कि ऐसा है कि कल को रिलायंस कंपनी किसी अपने शेयर जारी करती है, उनकी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, तो उनको बोला गया कि देखिए ऐसा है, आप जो हो 1 करोड़ तक के शेयर जारी कर सकते हो बस। अगर आपने एक शेयर का प्राइस 10 लाख रखा तो आप 10 शेयर जारी कर पाओगे, 1 लाख रखा तो आप 100 शेयर जारी कर पाओगे, आप 10,000 रखा तो आप 1,000 शेयर जारी कर पाओगे, इस टाइप से। तो ये मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जितने अमाउंट के, टोटल अमाउंट के जितने शेयर्स वो जारी कर सकते हैं। एक ब्रीफ में बहुत ही जस्ट लाइक 30 सेकेंड्स में लेट मी एक्सप्लेन यू कि शेयर क्या होता है। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई बिजनेस आपने डाला, अभी आपके पास 1,000 रुपये, आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आपके पास तो है नहीं। आपने क्या किया, अपनी कंपनी को आपने लिस्ट करा दिया आपने शेयर मार्केट में, क्या होगा फिर, आपने क्या किया 10-10 रुपये के, या कहें 100-100 रुपये के आपने 10 शेयर बांट दिए, 100-100 रुपये के 10 शेयर आपने शेयर मार्केट में बांट दिए। जिन लोगों ने खरीदा उन्होंने 100-100 रुपये दिए आपको, यानी उन्होंने 100-100 रुपये आपको दिए, तो क्या हुआ आपके पास 1,000 रुपये आ गए, तो आपके पास कैपिटल आ गई। यही काम होता है शेयर मार्केट का। जिन फर्म्स को पैसा इकट्ठा करना होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो आती हैं शेयर मार्केट में।
IPO बोलते हैं उसको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अक्सर आपको पेपर में फ्रंट पेज पे दिख जाएगा कि किसी कभी किसी कंपनी का IPO लॉन्च होता है, कभी किसी कंपनी का IPO लॉन्च होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मेन प्रमोटर कौन है इसके? NSE के SBI और IDBI, हेड ऑफिस मुंबई में है और चेयरमैन है चित्रा रामकृष्ण। ये चेयरमैन भी चेंज होते रहते हैं, आप इसको चेक कर लेंगे। अभी के लिए द थिंग इज ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी जो प्रेजेंट है NSE के चेयरमैन दैट इज मिस्टर अशोक चावला, राइट? आप नोट कर लीजिएगा, मिस्टर अशोक चावला। अब देखिए क्या होता है, निफ्टी जो आप सुनते हैं ये NSE का इंडेक्स होता है, हर शेयर मार्केट का अपना एक इंडेक्स होता है, ठीक? और वो इंडेक्स कैसे बनता है? नेशनल इंडेक्स ऑफ 50, ये 50 शेयर्स इसमें लिस्टेड होते हैं, टोटल 50 कंपनीज लिस्टेड हैं आपके इसमें जो आपका निफ्टी होता है इसमें। और कैसे मिलता है इनका वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज आप मैथमेटिक्स में आप सीखोगे, वेटेड एवरेज लेके इंडेक्स निकाला जाता है किसी भी शेयर मार्केट का, राइट? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। खाली एक मेन चीज आप जो यहां चेंज करेंगे वो यहां पे कर लेंगे, मिस्टर अशोक चावला। बात करते हैं BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एस्टैब्लिश हुआ 1875 में, सबसे इनफैक्ट ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी हेड ऑफिस वहीं पे मुंबई में, चेयरमैन, लेकिन ये डायनामिक होता है थोड़ा सा, ये चीज आप चेक कर लीजिएगा। चेयरमैन है, जब आप एग्जाम देने जाना तो उसके एक दो दिन पहले आप चेयरमैन जरूर चेक कर लेना, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चेयरमैन होते हैं। तो अभी के लिए है मिस्टर एस रामादोराय, ठीक है? मिस्टर एस रामादोराय, एस स्पेस एस स्पेस RAMA रामा दोराय, DORAI, मिस्टर एस रामादोराय। ओल्डेस्ट शेयर मार्केट ऑफ एशिया मानी जाती है, इसमें 5500 कुल लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है? अब नंबर ऑफ, देखिए वैसे तो वॉल स्ट्रीट जो है आपका वो सबसे बड़ा, वहां जो अमेरिका का इंडेक्स है उसको सबसे बड़ा मानते हैं, ठीक है? डाउ जोन्स सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी आपके जो आपका ये इंडेक्स होता है उसमें इतनी कंपनीज नहीं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इतनी कंपनीज नहीं लिस्टेड हैं जितने की आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। 5500 कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं। अब देखिए मेन इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, सेंसेक्स जो आप सुनते हैं, सेंसेक्स जो आप सुनते हैं, इतने अंक ऊपर चढ़ा गया, इतने अंक नीचे, आजकल 30,000 के आसपास है, तो इतने अंक ऊपर गया, इतने अंक नीचे, तो वो बेसिकली होता क्या है, 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब उन 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस के ऊपर वो ऊपर नीचे जाता रहता है। उन 30 कंपनीज में अगर मान लीजिए नेट फॉल हो रहा है तो उनका वही चीज है, वेटेड एवरेज लिया जाता है, वेटेड एवरेज लिया, फॉल आया तो सेंसेक्स नीचे चला गया। उन 30 कंपनीज में अगर उछाल आया तो उनका वेटेड एवरेज लिया गया तो सेंसेक्स ऊपर चला गया। इस तरह से ये सेंसेक्स काम करता है। BSE 200, टोटल 200 कंपनीज लिस्टेड हैं BSE 200 में, टोटल 200 कंपनीज आपकी लिस्टेड हैं, अगेन उनका इंडेक्स वही वेटेड एवरेज लिया जाता है। देखिए अब एक होता है जो आपका शेयर मार्केट में एक जो आपका इंडेक्स होता है जो कि पैसे और डॉलर दोनों में ही दिखाता है, ताकि बाहर के लोग भी अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो कर लें, उस इंडेक्स को बोलते हैं डॉलेक्स, उस इंडेक्स को बोलते हैं डॉलेक्स। अब बात करते हैं रेजिडेक्स की। देखिए इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक और BSE। ये रेजिडेक्स जैसे कि नाम से आपको पता है, रेजिडेंट जैसा कुछ लग रहा है, तो इसीलिए क्यों, बेसिकली क्या है ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है वो और BSE, इनका एक जॉइंट इंडेक्स है। आपको सिंपली याद रखना है कि हाउसिंग पर्पज के लिए कौन सा इंडेक्स है, दैट इज रेजिडेक्स। अब बात करते हैं मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। ये बड़ा अच्छी चीज है, ये थोड़ा सा न्यू भी है, ये एक नए तरह का स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें आप कमोडिटीज की वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लगा कि आजकल ऐसा है मुझे काली मिर्च खरीद लेनी चाहिए, ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर खरीदने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे और बोरों में भर के ब्लैक पेपर को आप स्टोर करोगे, फिर प्रॉब्लम ये आप स्टोर करोगे उसमें से 30% सड़ गया, आपको स्टोरेज पता नहीं है कैसे स्टोरेज करते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए क्या किया गया कि आप उसको वर्चुअली ट्रेड कर सकते हो। आपने 100 किलो ब्लैक पेपर जो मार्केट में दाम है उसके ऊपर खरीद लिया, आपने उसको होल्ड किया, उसके दाम बढ़ गए, आपने बेच दिया, क्या हुआ फायदा, आपको स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए ये बनाया गया मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जैसे आप शेयर्स खरीदते हो आपको उन्हें स्टोर तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहते हैं, उसी तरह से आप इसमें सोना चांदी, आप इसमें ब्लैक पेपर और इसमें कुछ और कैश क्रॉप्स भी हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो आप सीधे इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकते हो। फायदा क्या हुआ, आपने पूरी ट्रेडिंग करी, आपने पूरा जैसे बाजार में आप एज अ होलसेलर आपने ट्रेडिंग करी, लेकिन आपको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इसमें थोड़ी बड़ी ट्रेडिंग होती है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक किलो और या आधा किलो आप काली मिर्च खरीद के आप स्टोर करो, ये थोड़ा सा इसमें बड़ी ट्रेडिंग होती है।
देन कब ये एस्टैब्लिश हुआ है 2013 ऑफिस मुंबई एंड चेयरमैन इज करंट चेयरमैन इज मिस्टर सौरभ चंद्रा थॉमस मैथ्यू पुराने हैं दिस डेटा इज क्वाइट ओल्ड और करंट चेयरमैन इज मिस्टर सौरभ चंद्रा आप एग्जाम में जाने से पहले भी इसको एक बार बस इन चार जो आपके ये तीन है बेसिकली MCX BSC NSE इनके चेयरमैन एक बार देख लेंगे देन इंडिया में कितने रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं दिल्ली में भी हैं मुंबई में भी हैं ना आपका इंदौर में भी हैं तो रीजनल एक्सचेंज हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और मेन जो आपके थे ये चार ही थे तो आप इनको याद कर लेंगे अच्छे से और इनका मेन चीज़ आपको मालूम होना चाहिए किस पर्पज़ के लिए कौन से होते हैं और किस में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं MCX में कंपनीज लिस्टेड नहीं होती हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है ना रेजिडेक्स में आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में क्या होता है और BSE में कितनी होती हैं ठीक है और इंडेक्स कैसे बनता है वेटेड एवरेज लेके क्लियर है बात सो थैंक यू सो मच गाइज प्लीज़ रेट एंड रिव्यू दी लेसन इफ पॉसिबल थैंक यू सो मच वेलकम गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपना इकोनॉमिक्स का सेशन स्टार्टिंग अप Now let's have a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I have done BTech in Electronics and Communication Engineering from IET Lucknow. आप मुझे Unacademy पे, Unacademy website और Unacademy app दोनों पे ही follow कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी lesson updates, course updates आपको notification के through पता चलता रहेगा. And if you like the lecture, it's a request. Please rate it, review it, and do share it. शुरुआत करते हैं देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे पहले तो हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी क्या होता है इधर करीब 1.5 साल से सेबी बड़ा न्यूज़ में है क्यों क्योंकि सेबी बहुत एक्टिव हो गया है आप में अगर सुना हो तो सुब्रत रॉय सहारा इनके ऊपर 26,000 करोड़ का इनके ऊपर एक स्कैम का इनके ऊपर एक केस चल रहा है वो पूरा केस जो है वो सेबी से रिलेटेड है इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा मार लिया था थोड़ा सुब्रत रॉय सहारा ने तो इनके ऊपर केस चल रहा है तो ये सेबी ने केस किया है तो ये क्या ऐसी बॉडी है ये क्या चीज़ें मॉनिटर करती है ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी हम सीखेंगे फिर हम सीखेंगे नीति आयोग के बारे में देखिए आपने सुना होगा सबने कि प्लानिंग कमीशन क्या होती है ठीक है प्लानिंग कमीशन क्या होता है 5-year plans में देखिए क्या होता था उस समय कैसे बनते थे ये 5-year plans जो आपने सुना होगा फर्स्ट 5-year plan सेकेंड 5-year plan वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उस समय अभी जैसे जो प्रेजेंट रिजाइन है मोदी गवर्नमेंट का जैसे ये पार में आए इन्होंने प्लानिंग कमीशन हटा दिया उन्हें ऐसा लगा कि ये रिडंडेंट है और इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है तो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से नीति आयोग एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है थिंक टैंक वो जगह होती है जहाँ पे पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और सोचा जाता है कैसे क्या चीज़ों की एफिशिएंसी पॉलिसी मेकिंग सारी चीज़ें निकलती हैं इस जगह से नीति आयोग से इस समय तो देखते हैं एक एक करके क्या चीज़ें हैं ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988 ठीक है अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1992 में अंडरटेक कर लिया देखिए हुआ क्या था पहले आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताई जाए जो स्टॉक एक्सचेंज थे आज की डेट में तो गवर्नमेंट इसको पूरा रेगुलेट करती है बेसिकली जब ये आए थे 1982-1984 वगैरह में जब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ था उस समय क्या था कुछ ट्रेडर्स थे प्राइवेट ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी एक बॉडी फॉर्म कर ली एक प्राइवेट बॉडी उन्होंने फॉर्म कर ली सोसाइटी फॉर्म करी और उन्होंने ये काम शुरू किया पूरा अब जब ये काम बढ़ा तब फिर एक चीज़ रियलाइज हुई कि किसी भी इतने जब काम बड़ा होता है ना तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है तब ये बात चली कि अच्छा ठीक है लेट्स हैव अ बॉडी फॉर दिस एक बॉडी हो गई एक बॉडी बना दी गई वो सारे ऑपरेशंस देखती थी इन चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती थी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब लोगों का और ज़्यादा लोगों का पैसा उसमें लगने लगा तब फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक कर ली यही खेल हुआ था खेल का मतलब यही प्रोसेस हुआ था बैंक्स के साथ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब अगर आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब होता है कि सरकार भारत सरकार बैंकिंग ऑपरेशंस अपने अंडर में ले लेती है सब्स्यूम कर लेती है ये जो जितने बैंक्स आप देखते हैं ये सारे सरकार ने नहीं खोले थे इन बैंक्स का इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था पहली बार प्राइवेट बैंक्स थे बहुत सारे उनका नेशनलाइजेशन किया गया यानी सरकार ने उनको ओवरटेक कर लिया तो ये और ऐसा क्यों करती है सरकार उसका रीजन ये होता है कि जब बहुत सारे लोगों का पैसा लग जाता है किसी चीज में तो देखिए बहुत सारे लोगों का पैसा लग गया अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कल को वो रातों रात अपना पूरा बिजनेस बंद करके चली गई सारा पैसा लेके बाहर अब क्या होगा तो सिटीजन्स का नुकसान हो जाएगा तो ये ना हो इन सच और चीज़ें और अच्छे से रेगुलेट हो इसीलिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। इसके चार जोनल ऑफिस हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद। मुंबई में इसका जोनल ऑफिस नहीं है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में है हेड ऑफिस है मुंबई में। लोकल ऑफिस 20 है और 6 टोटल मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। मिस्टर उपेंद्र कुमार सिन्हा ये पुराने हैं, इस समय है मिस्टर त्यागी, मिस्टर अजय त्यागी, ये इस समय प्रेजेंट चेयरमैन है सेबी के। देन फंक्शंस ऑफ सेबीआई देखिए क्या होते हैं। इंडियन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब ये नॉर्म्स बनाता है कि मान लीजिए ऐसे तो क्या हुआ कि कोई कंपनी आई, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अभी शेयर्स आपने खरीदे और लेट्स से कि आपने अपना 1 लाख 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल को क्या हुआ कि कंपनी के पास तो पैसा आ गया पब्लिक से बहुत सारा, कंपनी ने पूरा बंद किया और चली गई बाहर दूसरे कंट्री, अभी आपका पैसा तो डूब जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो इनके लिए रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, ये सेबी बनाता है। ठीक है, अगर कहीं नए स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश करने हैं, जैसे 2012 में हुआ था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, 2012-13 में मल्टी कमोडिटी MCX आया था, ये सेबी काम करता है। ये जो नई कंपनी शेयर मार्केट में, कल को आप एक कंपनी खोलो, आप चाहते हो कि वो शेयर मार्केट में एस्टैब्लिश हो, तो आप किसको अप्रोच करोगे? सेबी को अप्रोच करोगे। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेडिंग एंड करेंसी एक्सचेंज। ये कौन कंट्रोल करता है? ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि जो फॉरेक्स का जितना काम है, इसको फॉरेक्स ही बोलते हैं, FOREX, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बड़ा ही इन्वेस्टर्स में बड़ा ही एक हॉट टर्म होता है ये फॉरेक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने फॉरेक्स में क्या होता है ना, फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग करी जाती है। लेट्स से आज आपने देखा कि डॉलर का मूल्य जो है $1 = 60 है, आपको ऐसा लग रहा है कि डॉलर का जो है ये रेट जो है ये 65 तक जाएगा अगले 2 महीनों में। आपने क्या किया, $1,000 आपने खरीद के रख लिए, $1,000 आपने खरीद लिए, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही रेट्स बढ़े यू सोल्ड देम आपने। ये एक लेमेन डेफिनेशन है इस फॉरेक्स की, तो आपने उसको बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, ₹65 हो गया 2 महीने बाद। क्या हुआ, $1 में ₹5 का फायदा, आपने $1,000 लिए था, आपको $5,000 का फायदा। तो ये जो करेंसी ट्रेडिंग होती है, इसको ये होता है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है, इसके लिए नॉर्म्स RBI बनाता है, सेबी नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है इसमें, राइट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड बाय वन कंट्री विद द अदर कंट्री, विद द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी चीज जो नेट आता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितनी हम गुड्स और सर्विसेज बाहर भेज रहे हैं माइनस जितना गुड्स और सर्विसेज हमारे पास आ रहा है। अभी ये तो अच्छी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होना अच्छा होता है, ऑल्दो इंडिया का ही नेगेटिव रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना पॉजिटिव है इसका मतलब हम उतना प्रॉस्पर कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, हर कोई चाहेगा कि हमारे पास से जाए कम और आए ज्यादा, होता उल्टा है, हम मांगना हमें, या इसका मतलब ये हो सकता, आप इसको इससे ये समझ सकते हैं कि हम दें ज्यादा मांगे कम, हम बेचे ज्यादा और मांगना कम पड़े, उधारी कम लेनी पड़े। प्रॉब्लम हमारे साथ दूसरी हो जाती है इंडिया में कि हम देते तो हैं, काफी देते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो हमें मांग, जो हमें डिमांड है ना, वो हमेशा एक्सीड कर जाती है हमारी चीजों में, क्लियर। तो ये चीज होती है, इसीलिए अक्सर ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना नेगेटिव चल रहा है, इतना इतने लाख करोड़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चल रहा है। नाउ दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको इसमें सिंपली आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट होता है शॉर्ट टर्म, कैपिटल अकाउंट होता है लॉन्ग टर्म, और इसमें क्या इंक्लूड होता है। शॉर्ट टर्म अकाउंट जो करंट अकाउंट होता है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड होते हैं, कैपिटल अकाउंट ये लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, ये ग्रांट्स और इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे इस समय आपका ये यूपी के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में इस समय मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का काम यहाँ पे चल रहा है लखनऊ में और कानपुर में चल रहा है, यूपी की कुछ सिटीज़ हैं। तो क्या है, जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें जापानीज गवर्नमेंट की फंडिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ की जापानीज गवर्नमेंट की फंडिंग है। अब ये फंडिंग होती है ग्रांट्स जो आप देते हो दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्रीज को। इसी तरह इंडिया क्या करता है, जो बाकी कुछ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्रांट देता है, जैसे इंडिया भूटान को ग्रांट देता है। तो इस टाइप की अंडर डेवलप्ड तो इस समय खैर कोई नहीं है, सब डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड का तो क्राइटेरिया ही खत्म किया जा चुका है, अब सभी कंट्रीज डेवलपिंग में आती हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज को इंडिया भी पैसा देता है, तो हम ग्रांट्स देते हैं, वो कैपिटल, वो लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, ठीक। फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी LIC के ऑफिसेज बाहर बाहर हैं, या मान लीजिए आज को वो है आपकी इंडियन ऑयल है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि रशिया में
रशिया में एक प्लेस है, वहाँ ऑयल फील्ड्स बहुत सारी हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं सब आपके इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ें आती हैं, राइट। तो वी डोंट नीड टू गो इन दैट मच डिटेल कि कहाँ पे कितना क्या चल रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हम बात समझ गए यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कितना पैसा बाहर गया और कितने मूल्य की वस्तुएं और पैसा भारत आया, ठीक। अब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं। देखिए, जब इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो जो लॉस होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है और लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। FDI क्या होता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बड़ी ही अच्छी चीज़ें हैं ये, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए होता क्या है, जब देखिए अभी हमको डेवलप करना है, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बाहर टूर वगैरह करते रहते हैं, तो क्यों लोग सोचते, इसको थोड़ा सा इसके पीछे रीज़न भी सोचना चाहिए क्यों ऐसा होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हर इंसान चाहता है कि मान लीजिए आपको, आप हो, अब आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, ग्रो करने के लिए आप चाहते हो भाई पहले, सबसे पहले तो एक सर पे छत होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि हाँ मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए और मैं अपने लिए घर बना लूँ, बाद में मैं धीमे धीमे करके उसको अदा करता रहूँगा। यही चीज़ कंट्री के लिए भी होती है, कंट्री चाहती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा आ जाए, हमें बाहर के लोग हमारे पास पैसा इन्वेस्ट कर दें, उस पैसे को यूज़ करके हम अपने वहाँ डेवलपमेंट कार्य करेंगे और बाद में, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सारे, इन्वेस्टमेंट हमेशा कंट्री के लॉन्ग टर्म, मोस्टली लॉन्ग टर्म होते हैं, बाद में 10 साल 15 साल बाद हमको कुछ परसेंट पे हम उनको रिटर्न करेंगे पैसा धीमे धीमे, ठीक है। ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कंट्रीज और समझदार होती हैं, कंट्रीज़ क्या कहती हैं, इंडिया कहता है आप हमको FDI दो, आप हमें पैसा दो, कंट्रीज़ बोलती हैं हम आपको FII देंगे। FII क्या होता है, जब आपको, देखिए क्या होता है कि आपका, देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसमें जब आपका सीधे सीधे वो बोलती हैं कि देखिए ऐसा है, हम आपके वहाँ आएंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, FDI में आप टेक्नोलॉजी देते हो, पैसा देते हो ताकि दूसरी कंट्री ग्रो करे। FII में क्या बोलते हैं, देखिए ऐसा है, हम आपके वहाँ तो आएंगे, हम आपके लोगों को जॉब भी देंगे, अगर हमारे पास देखिए FDI हुआ तो हम अपने आप बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, अपने आप अपने लोगों को जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वो बोलते हैं कि ऐसा है, हम आपके यहाँ FII करेंगे, हम आएंगे आपके वहाँ और हम खुद आपके वहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे, अब उस इंडस्ट्री में हम जॉब देंगे, उससे हमारा नुकसान है, उससे हमारा नुकसान ये है कि एक तो वो हमको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचते, टेक्नोलॉजी दी नहीं तो हम ग्रो नहीं करते हैं, बस एक टेम्प्रेरी लेबरशिप में हम लगते हैं, वहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो सिर्फ लेबर है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिली है हमको तो ये बात वही हो गई अपने घर में रहना और होटल में रहना, किराए के होटल में रहना और अपने घर में रहना, तो वो जो डिफरेंस है एक रॉ फॉर्म में, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो वही डिफरेंस है FDI और FII में, राइट। एनीवे ये डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, वी सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर। नाउ नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पॉवर्टी परसेंट इन इंडिया कितना है, गरीबी 21.9%। अब आप सोचें कि कम से कम 25 करोड़, 125 करोड़ की जनसंख्या है, करीब 25 करोड़ आदमी गरीबी पे है, और भी ज़्यादा ही है ये डेटा। अब कैसे देखते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो भी इंसान $1.25 पर डे कमा रहा है, उससे कम कमा रहा है वो गरीब है, यानी कि करीब करीब 75 रुपये से कम डेली कमा रहा है तो वो गरीब है। हमारे वहाँ ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत ही सारे, 75 रुपये पर डे का मतलब ही क्या हुआ, लाइक 75 रुपीज पर डे इज़ लाइक समथिंग यू कैन से 2250 रुपीज़ अ मंथ। देन अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट, सबका क्राइटेरिया अलग है, $1.35 पर डे। इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर कोई इंसान 1000 रुपये पर मंथ, सिटी के लिए 1000 रुपये और गांव के लिए 826 रुपये, इतना पैसा खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अभी इतने में क्या आता है, anyway, अब देखिए कुछ कमिटीज़ की बात हम यहाँ करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब ये देखिए यहाँ पे, ये कितनी हमारे लिए ही शर्म की बात है थोड़ी, इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बीइंग एन एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और उसके बाद भी यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, प्रॉब्लम। एनीवे, भगवती कमेटी किससे रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से। सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से। सो गाइस, दैट वाज कंप्लीट योर, एक ओवरव्यू था कंप्लीट आपकी इकोनॉमिक्स का, इसमें ओवरव्यू क्या, ये कंप्लीट इकोनॉमिक्स थी, जो बीच का पैचवर्क है आप इसको पूरा तैयार करेंगे और जो बीच का पैचवर्क है वो आपको जो क्वेश्चन MCQs अभी आएंगे, इसमें आई एम प्रिपेयरिंग योर 100 MCQs, उसमें आपका पैचवर्क हो जाएगा एंड योर इकोनॉमिक्स विल बी कंप्लीटेड, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज रेट इट एंड रिव्यू इट एज वेल, थैंक यू सो मच।
हेलो एंड वेलकम गाइस। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन फंक्शंस ऑफ आरबीआई के ऊपर। हमारा आरबीआई एक टॉपिक था जो कि हमने नहीं टच किया हुआ था। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज अमन श्रीवास्तवा। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, ये तो है आपका पहले आरबीआई का सिग्नल सिंबल सॉरी। और इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा कि ये कौन सा पेड़ है और ये कौन सा एनिमल है। ये है पाम ट्री और ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। इसको लायन मत मार्क करिएगा और कहीं पर आ जाए। ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। गवर्नर कौन है? मिस्टर उर्जित पटेल। क्या इसका मेन स्ट्रक्चर होता है? इसमें एक गवर्नर होता है और इसमें चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चार डेप्यूटी गवर्नर के नाम कौन कौन से हैं? बीपी कानूनगो, मिस्टर एस एस मुंद्रा, एन एस विश्वनाथन एंड विरल आचार्य। ये आपको याद होना चाहिए। इधर ये इंपॉर्टेंट आ रहा है काफी। देन इसलिए इंपॉर्टेंट आ रहा है क्योंकि इधर बैंकिंग के ऊपर एसएससी काफी फोकस कर रही है। लास्ट ईयर 2016 में जब एसएससी एग्जाम हुआ था तो 70% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जो आए थे वो बैंकिंग रिलेटेड थे, राइट? तो इसलिए आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। किस एक्ट से हुआ था? तो ये आरबीआई एक्ट है 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुई थी। उसके अंडर में ये पास हुआ था, उसके अंडर में ये फॉर्म हुआ था 1935 में। इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 एंड सिंस देन फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, स्टैब्लिश हुआ 1935 में और नेशनलाइज हुआ 1949 में। अब नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन मतलब जब सरकार किसी भी प्राइवेट एसेट को या एक कोई भी सोसाइटी की एसेट को पब्लिकली ओन्ड कर देती है तो वो होती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बैंक्स जो थे वो उस स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये सरकारी बैंक्स नहीं होते थे। कुछ प्राइवेट लोग मिले, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन मर्चेंट्स मिले और उन्होंने आपस में मिलके एक बैंक खोल दिया। क्योंकि उनके पास पैसा होता था तो वो आराम से लोन वोन दे लेते थे और डिपॉजिट वगैरह ले लेते थे, ठीक है? फिर क्या हुआ, जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से जुड़ने लगे तब अब सरकार के ऊपर बात आई कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, जो बैंक्स थे प्राइवेट बैंक्स, वो प्राइवेट लोगों के बैंक्स थे, वो उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा, सरकार के ऊपर बात आ जाएगी। इतने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा तो सरकार प्रॉब्लम में आ सकती है। तो सरकार ने बैंक्स का कर दिया नेशनलाइजेशन, यानी कि सरकार ने बोला कि अब ये बैंक जो है ये पब्लिक ओन्ड है। जो चीज पब्लिक की है, इसका मतलब सीधे डायरेक्टली इसका मतलब ये होता है कि वो सरकार की है। तो अब ये बैंक सरकार के हो गए। तो 1949 में आरबीआई जो हुआ वो सरकार के अधीन हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी पहला फंक्शन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी देखिए क्या होती है, जितनी भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मैक्रो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो आपकी कंट्री की, ये आती है इसमें। इसमें कौन देखता है? इसको देखता है आरबीआई। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सा आता है? जैसे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे जब भी हमारे वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, या आप देखते होंगे कभी इंटरेस्ट रेट बैंक्स का बहुत ज़्यादा होता है, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कभी बैंक रेट हो गया, इसी तरह और भी रेट होते हैं। कुछ होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। हमें CRR SLR जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक्स के एग्जामिनेशन में, SBI के एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में आता है, हमारे वहाँ नहीं आता कभी भी। तो देखिए, आरबीआई मेन बताने का मतलब ये है कि आरबीआई ही इन चीजों को रेगुलेट करता है। वो बैंक को बोलता है कि भैया अभी आपके पास ऐसा है, आपके पास हो गया है पैसा ज्यादा। मान लीजिए बैंक के पास पैसा एकदम से ज्यादा हो गया है, अब बैंक को और पैसा तो चाहिए नहीं, तो बैंक तो आरबीआई उनको बोलता है अभी आप ऐसा करो, जो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो आप उसको कम कर दो। बैंक जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे तो अपनी जो कॉमन पब्लिक होगी वो क्या बोलेगी, अभी बैंक के पास पैसा डालने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक? इसी तरह मान लीजिए बैंक के पास है पैसा बहुत कम, आरबीआई के पास पैसा है कम, तो क्या होगा, आरबीआई बैंक्स को बोलता है ऐसा करिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, अभी हमें क्या लगेगा, बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, हमें पैसा रख देना चाहिए बैंक के पास, तो बैंक के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारी, और ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें इसी से कंट्रोल होती हैं, फ्लो ऑफ मनी से। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? आरबीआई, ठीक? अब करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो आरबीआई है ये करेंसी तो इशू करता है लेकिन
कौन सी करेंसी इशू करता है, तो 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का नोट को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है वो सब इशू करता है आरबीआई। क्या देखा हमने, 1 रुपए कॉइन और 1 रुपए नोट को छोड़कर बाकी जितनी करेंसी इशू होती है वो सब करता है आरबीआई। तो फिर 1 रुपए कॉइन और नोट कौन करता है, ये करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके ऊपर 1 रुपए नोट के ऊपर आप कभी साइन देखेंगे अगर, तो वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी किसी भी नोट, आप कोई भी नोट उठा लीजिए, उसके ऊपर आपको साइन मिलेगा गवर्नर का। अगर आप 1 रुपए का नोट या उठाएंगे उसको 1 रुपए के नोट को, तो वहां पे आपको साइन मिलेगा फाइनेंस सेक्रेटरी का। अब चौथा फंक्शन, बैंक ऑफ गवर्नमेंट बात आता है। फोर्थ फंक्शन पे आते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। आपके पास, हमारे पास, सबके पास अपना एक बैंक होता है। हम क्या करते हैं उसमें, हम वहां से लोन लेते हैं, हमारे डिपॉजिट जो भी होते हैं वहां पे रखते हैं। इसी तरह सरकार को भी अपने ऑपरेशंस करने के लिए एक बैंक की जरूरत होती है। तो सरकार का बैंक कौन होता है, ये होता है आरबीआई। सरकार के बैंक की तरह से ये काम करता है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए सरकार को, सरकार को इवन ट्रेजरी बिल्स भी जो इशू कराने होते हैं, वो भी बिल्स इशू कौन करता है, वो होते हैं आरबीआई के थ्रू। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, हम बात कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में। ट्रेजरी बिल्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, इनको याद रखिएगा, इनको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि सरकार ने इशू करी है, यानी कि जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, जिनके ऊपर हमको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इनको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सब आते हैं इस कैटेगरी में। और ये क्या होते हैं गवर्नमेंट, ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट में आती है, वो बोलती है ऐसा है, हम 10-10 हज़ार के हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप आए और ये बॉन्ड्स खरीदें, और इसके ऊपर हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इसको आप 4 साल 5 साल या जो भी टेन्योर है तब तक आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते, राइट। तो ये होता है आपका सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। इससे क्या हुआ, आपका पैसा चला गया सरकार के पास, सरकार ने उस पैसे को इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब टाइम आया तो उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो इस सरकार का ये तरीका होता है पैसा लेने का। देन बैंकर ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ये लाइन समझने से पहले तो हम ये समझें स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 एक एक्ट है, उस एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में जितने बैंक्स लिस्टेड हैं वो सभी हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक। अब कौन कौन से बैंक्स हैं ये, जितने भी हमारे पास नेशनलाइज बैंक्स हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज बैंक्स नहीं होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, नेशनलाइज नहीं है। एचडीएफसी है, नेशनलाइज नहीं है, ठीक। प्राइवेट बैंक्स जितने भी हैं वो नेशनलाइज नहीं है। नेशनलाइज से ये मत समझिएगा कि उसकी पूरी नेशन वाइड ब्रांचेस हैं, इसका मतलब इसका कोई भी ब्रांचेस का नेशनलाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, वर्ड के ऊपर मत जाइएगा। बात करते हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ऊपर हम थे, कौन से हैं, जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, और एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, तो जितनी भी फॉरेन बैंक की ब्रांचेस इंडिया में हैं वो भी सब स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंडर में आती हैं। जितनी भी फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में हैं वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये सब आते हैं स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंडर में। और ये कहाँ पे लिस्टेड है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में लिस्टेड है। अभी आगे की बात, वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए ये काम करता है। इसमें ये क्या करता है, जैसे बैंक्स को कई बार इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो करिए ही करिए, साथ में एक नोवेल फीचर जो आ रहा है इधर आरबीआई का, वो ये भी गाइड करता है बैंक्स को कि थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो इंडिया, थोड़ा अपने अपने एरिया में। जैसे कि कुछ बैंक्स ने क्या करना शुरू किया है, आरबीआई ने बोला है कि आप थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने स्कूल्स अपने एरिया के अडॉप्ट कर लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली विजयनगर शाखा, इन्होंने क्या किया है, टीबी के इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए इन्होंने अपना वहां पे इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है, कोई भी आए, कोई भी टीबी का मरीज हो, इनके पास आए, ये उसको फ्री में इलाज करेंगे। तो बैंक्स जो अब हैं ये मॉरल्स पे भी आ रहे हैं। तो ये सब कौन इनको बोलता है कि आप ऐसा ऐसा करो, ये आते हैं इंस्ट्रक्शंस आरबीआई से, क्लियर। अब मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनिटरी पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनिटरी पॉलिसी हम यहां पे भी हम पूरा एक्सप्लेन कर समझ चुके हैं हम कि क्या होती है। थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द कंट्री, ये पूरी हम बात कर चुके हैं मॉनिटरी पॉलिसी की क्या होती है मॉनिटरी पॉलिसी।
और सरकार कैसे कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ करेंसी। ये वही बात आ गई यहाँ पे जो बैंक रेट घटाने और बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, नाउ करेंसी इशू के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि क्या है, सरकार इशू करती है करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन के अलावा। 1 रुपए का नोट और कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी सब कुछ आरबीआई। ठीक, और एक चीज और, जो आपके सीआरआर एसएलआर बैंक रेट होते हैं वो आपका क्या होता है, देखिए आपको डीप में नहीं समझना है, सिंपली बैंक रेट जो आपको बैंक्स का जो भी रेट आपका चलता है, सीआरआर एसएलआर आपका क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है आपका। तो अब देखिए एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, सीआरआर के ऊपर बात करते हैं, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। अब मान लीजिए क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले अगर, या किसी बैंक की बात कर ले, उनके पास लेट्स से 20 करोड़ रुपए हैं। अब एकदम से सारे कंज्यूमर आ गए पैसा मांगने के लिए, बैंक बैठ जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्ट किया हुआ है सब बैंक्स को, कि उनको कुछ मिनिमम फंड है जो उन्हें आरबीआई के पास मेंटेन रखना है। वो क्या होता है, परसेंटेज में होता है। लेट्स से कि अगर 6.5% है तो उनका अपना टोटल जितने भी आपके उनके डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी आपकी एफडीज हैं उनके पास जितनी भी हैं, उन सब के टोटल का 6% या 6.5% ये चेंज होता रहता है, इतना उन्हें आरबीआई के पास मेंटेन रखना होता है, ताकि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कोई आ जाए तो कम से कम पब्लिक का नुकसान ना हो, बैंक अगर बैठ भी जाए तो आरबीआई पब्लिक को पैसा वापस कर पाए। तो इतने प्लान्ड मैनर में इकोनॉमी चलती है, इतने प्लान्ड मैनर में आरबीआई के फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब बात आती है एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए जो आप पैसा बैंक को देते हैं, बैंक ऐसा नहीं करता कि उसको अपने पास रख के बैठ जाता है, बैंक या तो उसको लोन में आगे बढ़ा देता है या फिर बैंक खुद भी उसको इन्वेस्टमेंट कर देता है। बैंक अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारी कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट में भी कई बार होता है, कुछ ऐसे आईपीओज बैंक इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो अब मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपए है, बैंक ने क्या किया, पूरा 1 लाख रुपए जाके इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके घर में, मान लीजिए लेट्स से आपके घर में है शादी, आप गए बैंक से पैसा मांगने, बैंक ने बोला मेरे पास तो पैसा है ही नहीं क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इस चीज से भी कंज्यूमर को बचाने के लिए आरबीआई ने क्या कहा हुआ है, एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या करेगा ये, कि बैंक को किसी भी टाइम पे इतना इतना अमाउंट लिक्विडिटी फॉर्म में मेंटेन रखना है। लिक्विडिटी यानी होता है ऐसी फॉर्म जिसमें कि वो तुरंत ही मोनेटाइज हो पाए या तुरंत ही यूज हो पाए। ठीक, कि तुरंत ही वो, यानी कि सोने की फॉर्म में नहीं, या फिर या तो गोल्ड उसमें हो, आपकी पैसे की फॉर्म में हो, या फिर आपके डिपॉजिट आपकी एफडीज हो, तो इस फॉर्म में, ताकि वो तुरंत का तुरंत यूज हो पाए, पूरा पैसा कहीं और नहीं लगा सकता है बैंक। ये बैंक को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आरबीआई की तरफ से। तो ये होता है एसएलआर। इसका भी रेट होता है कि कितना परसेंट रखना है बैंक को, अपने टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट रखना है एज एन एसएलआर, अपने पास रखना है एसएलआर बैंक रखता है अपने पास, सीआरआर बैंक देता है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व एज अ डिपॉजिट। क्लियर, तो ये था पूरा आरबीआई का फंक्शन। आई होप आरबीआई की फंक्शनिंग आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक इट काइंडली रेट इट एंड रिव्यू इट। थैंक यू सो मच।